हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवन का फर्स्ट चैप्टर थ्री क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि तीन सवाल। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। अ किंग हैज थ्री क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। तो एक कोई राजा है, उसके मन में, उसके दिमाग में तीन सवाल आए और अब वो क्या कर रहा है, इन सवालों के उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चंस, और क्वेश्चन क्या है, डज द किंग गेट वट ही वॉन्ट्स। तो क्या राजा को जो आंसर चाहिए था वो मिल गया है। तो चलिए हम जानते हैं चैप्टर में कि क्या क्वेश्चन थे और क्या उनके आंसर हैं और कैसे राजा को उनके आंसर्स मिले। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू थ्री थिंग्स। तो किसी राजा के दिमाग में एक बात आई कि अगर उसे कुछ चीजों के बारे में पता होगा तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। These three things were, तो वो चीजें क्या क्या थी। What is the right time to begin something, किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। Which people should he listen to, और किस किन लोगों को उसे सुनना चाहिए। What is the most important thing for him to do, और उसे क्या क्या ऐसा काम है उसके लिए जो सबसे जरूरी है। The king therefore, तो इसलिए क्या हुआ, sent messengers throughout his kingdom, messengers का मतलब होता है दूत। तो इसलिए क्या किया राजा ने, सारा जो उसका राज्य था पूरे राज्य में अपने दूत भेज दिए। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चन, और उसने बोला कि जो भी इन तीन सवालों का आंसर दे देगा उसको वो बहुत सारा पैसा देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, और बहुत सारे, वाइज का मतलब होता है बुद्धिजीवी, बुद्धिमान, बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन सभी का आंसर जो था वो अलग अलग था। In reply to the first question, अब first question का क्या answer था? Some said the king must prepare a timetable, कि उन्होंने कहा कि राजा को एक timetable बना लेना चाहिए and then follow it strictly, और बहुत ही अनुशासित होकर इसका पालन करना चाहिए, कठोरता से उसका पालन करना चाहिए timetable बना के। Only in this way, तो इस तरह से they said could he do everything at its proper time, तो उन्होंने कहा कि यही इसी तरीके से राजा जो है अपना सारा काम प्रॉपर टाइम पे कर लेगा। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड एंड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। तो दूसरे लोगों ने क्या कहा इसका विरोध करने में, कि इसका विरोध करने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे पता चलेगा कि सही समय क्या है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फूलिश प्लेजर्स। तो राजा ने कहा ये जो भी हो रहा है सब बकवास हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, समय की बर्बादी हो रही है। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और जिस समय में जो जरूरी होता है वही किया जाता है। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एट द प्रॉपर टाइम। अब दूसरे लोगों ने क्या कहा कि राजा को चाहिए कि एक काउंसिल बनाए। अब काउंसिल क्या होता है, काउंसिल इज अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। तो काउंसिल ऐसे लोगों का ग्रुप होता है राज्य में जो क्या करता है, एडवाइस देता है, सलाह देता है और रूल्स भी बनाता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि राजा को काउंसिल बना लेना चाहिए कुछ बुद्धिमान लोगों का, जिससे क्या होगा, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जिससे राजा को मदद मिलेगी कि किस टाइम पे कोई काम किया जाना चाहिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर वेरी एवरी एक्शन। तो फिर लोगों ने इसका विरोध किया कि कैसे पता चलेगा कि कोई भी काम शुरू करने का सही समय होता क्या है। बट देन अदर सेड, लेकिन दूसरे लोगों ने कहा दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। उन्होंने कहा कि लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो बहुत अर्जेंट होती है, जिसके लिए क्विक डिसीजन, एकदम तुरंत कोई निर्णय लेना पड़ता है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम काउंसिल का के डिसीजन का, जो काउंसिल है ग्रुप ऑफ पीपल है उसके डिसीजन का वेट नहीं कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज द नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। तो किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है ये डिसाइड करने के लिए ये जरूरी है कि हम फ्यूचर में देख पाए। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, एंड द ओनली मजिशियन कुड डू दैट। लेकिन फ्यूचर के बारे में कौन जान सकता है, केवल मजिशियन यानी कि जादूगर। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मजिशियन, इसलिए जो राजा है उसको किसके पास जाना चाहिए, मजिशियन के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन क्या था,
Some said that the people most necessary to the king were his counselors. सेकेंड क्वेश्चन था कि कौन से लोग जो है वो राजा के लिए सबसे जरूरी है, महत्वपूर्ण है. तो कुछ लोगों ने कहा कि उसके जो काउंसिलर्स है, जो काउंसिल में जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है. अदर सेड द प्रीस्ट, कुछ लोगों ने कहा कि पुजारी सबसे ज्यादा जरूरी है. अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर, और कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर सबसे ज्यादा जरूरी है. एंड येट अदर सेड द दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने कहा कि उसके जो सिपाही हैं, जो उसके सैनिक हैं, वो सबसे ज्यादा राजा के लिए जरूरी है. टू द थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या मिला. सम सेड साइंस, उन्होंने कहा कि कुछ साइंस सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है. अदर चूज फाइटिंग, कुछ लोगों ने कहा कि लड़ाई मार काट वगैरह सबसे ज्यादा जरूरी है. एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने कहा कि सबसे काम जो ज्यादा जरूरी है या ज्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है, धार्मिक पूजा पाठ वगैरह, यानी कि धार्मिक कार्य सबसे ज्यादा जरूरी है. तो सबके आंसर हमने देखा कि अलग अलग आए. As the answers to this to his questions were so different, तो उसने देखा कि उसने जो भी क्वेश्चन पूछे थे सबके आंसर बहुत अलग अलग थे. The king was not satisfied and gave no reward, तो राजा को संतुष्टि नहीं हुई इसलिए उसने कोई इनाम नहीं दिया किसी को भी. Instead he decided to seek the advice of a certain hermit. Hermit का मतलब होता है a person who lives alone and leads a simple life. Hermit सन्यासी कह सकते हैं हम, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है और सिंपल लाइफ वो जीता है, बिल्कुल साधारण सी जिंदगी वो जीता है. तो इसलिए राजा ने सोचा कि वो किसी हर्मिट के पास जाएगा, who was widely known for his wisdom, जिसको, और ऐसे हर्मिट के पास जाएगा जिसको उसके ज्ञान के लिए जाना जाता हो, यानी कि बहुत जो ज्ञानी हो. द हर्मिट लिव इन अ वुड विच इज नेवर लेफ्ट, और हर्मिट जो था एक लकड़ी की झोपड़ी में रहता था जो वो कभी नहीं छोड़ता था. ही सॉ नो बट सिंपल पीपल, तो एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोज, तो जो हर्मिट था वो सिर्फ जो साधारण लोग थे उन्हीं से बातचीत करता था. तो इसलिए जो राजा था उसने सिंपल से, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण कपड़े पहन लिए. बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, तो हर्मिट की हट उसकी जो झोपड़ी थी उस पर वहां पहुंचने से पहले राजा ने अपना घोड़ा भी छोड़ दिया और अपने बॉडीगार्ड भी वहीं पर छोड़ दिया और अकेले वो बिल्कुल साधारण सा से कपड़े पहन के हर्मिट के पास चला गया. एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, तो जैसे जैसे जो राजा था वो सन्यासी की झोपड़ी के पास आता गया, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ हिज हट, तो उसने देखा कि जो सन्यासी था वो क्या कर रहा था, वो अपनी झोपड़ी के सामने मिट्टी जमीन खोद रहे थे. He greeted the king and continued digging. उन्होंने राजा का अभिवादन किया. Greet मतलब होता है अभिवादन की, स्वागत करना किसी का. तो उन्होंने राजा का अभिवादन किया और फिर अपना काम वो अपना काम फिर से करने लग गए, यानी कि जो खोदने का काम कर रहे थे वो फिर से करने लग गए. The hermit was old and weak. अब जो सन्यासी थे वो काफी बूढ़े और कमजोर भी थे. And he as he worked he breathed heavily. और तो जैसे ही वो काम कर रहे थे जोर जोर से वो सांस ले रहे थे, तेज तेज की सांस ले रहे थे. The king went up to the hermit and said, तो जो राजा थे उन्होंने देखा कि हर्मिट जो है बेचारे बहुत बूढ़े हैं और कमजोर भी हैं और उनकी जो सांसें हैं वो तेजी से चल रही है. तो वो हर्मिट के पास गए और बोले, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer three questions. तो मैं आपके पास आया हूँ, मुझे मेरे कुछ सवाल हैं उनका जवाब पाने के लिए. How can I learn to do the right thing at the right time? तो मुझे कैसा पता चलेगा कि सही कार्य करने का सही समय क्या है. Who are the people I need most? और कौन से लोग हैं जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं. And what affairs are the most important? और कौन से जो अफेयर्स हैं, कौन से कार्य जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी हैं. The hermit, अफेयर्स का मतलब होता है things, matters, business, है ना. कोई कौन सी चीज, कौन से मैटर और कौन से जो बिजनेस है वो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. द हर्मिट लिसन टू द किंग, अब जो हर्मिट थे वो राजा को सुना, उन्होंने सुना राजा को. बट ही डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोले. ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदते गए. यू आर टायर्ड, सेड द किंग, अब राजा ने कहा आप थक चुकी हैं. लेट मी टेक द स्पेड ऑन एंड वर्क इन योर प्लेस, अब हर्मिट के पास जो भी वो खोदने का था वो पकड़ा और बोले कि चलो आप रेस्ट करो और मैं खोद देता हूँ, मैं आपकी जमीन खोद दूंगा. थैंक्स, सेड द हर्मिट, अब हर्मिट ने क्या बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. गिविंग द किंग
इस पे उन्होंने जो उनके हाथ में फावड़ा कुदाल खोदने का जो भी था उन्होंने राजा को दिया. देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो एक ग्राउंड यानी कि जमीन पर बैठ गए. उसके बाद क्या हुआ, व्हेन द किंग हैड डग टू बेड्स, बेड्स का मतलब होता है जमीन, ठीक, गड्ढे. तो जब राजा ने दो गड्ढे खोद लिए थे, ही स्टॉप एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वो रुके और उन्होंने फिर से अपने क्वेश्चन दोहराए. द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप, तो हर्मिट ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया और वो खड़े हो गए. स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, उन्होंने कहा कि लाओ अब ये जो स्पेड है वो मुझे दे दो. नाउ यू रेस्ट, अब आप रेस्ट करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन जो राजा थे उन्होंने वो स्पेड जो थी, जो फावड़ा था या कुदाल थी, उन्होंने उसको नहीं दिया, हर्मिट को वापस नहीं दी, और फिर से वो खोदने लग गए. वन आवर पास, एक घंटा बीत चुका था, देन अनदर, और दूसरा घंटा भी बीत चुका था. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और सूरज भी छुप गया था. एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन. तो फिर लास्ट में क्या हुआ, जो राजा थे उन्होंने जो स्पेड थी उसको ग्राउंड पे फेंक दी और बोले, ग्राउंड पे रख के बोले कि आई केम टू यू वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी, मैं आपके पास आया था फॉर आंसर टू फाइंड माई क्वेश्चन, ताकि आप मुझे मेरे क्वेश्चन के, मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दो. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, तो अगर आपको नहीं, या आप मेरा उत्तर नहीं दे सकते मेरे सवालों का, टेल मी सो, तो मुझे ऐसा बताइए कि आप नहीं बता सकते हैं, एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं वापस घर चला जाऊंगा. हेयर कम्स समथिंग रनिंग, सेड द हर्मिट, तो इतने में ही हर्मिट जो है वो कहते हैं कि अरे कोई दौड़ता हुआ या कुछ दौड़ता हुआ आ रहा है. अब इसके बाद इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है. द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम, तो फिर राजा, जब हर्मिट ने कहा कि अरे कोई दौड़ता हुआ यहाँ को आ रहा है, तो राजा मुड़े और उन्हें देखा कि कोई दाढ़ी वाला आदमी उनके पास आ रहा है, उनकी ओर आ रहा है. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, जिन्होंने क्या, जिसने क्या किया था, अपने हाथों से अपना पेट दबाया हुआ था. फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिससे कि खून बह रहा था. वेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, तो जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा, फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, तो वो क्या हो गया, बेहोश हो गया. द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने क्या किया, फिर उसके जो पुराने कपड़े थे उनको खोलकर नए कपड़े पहनाए, या उसकी घाव की मरहम पट्टी करी, और फिर क्या किया, उन्होंने देखा कि उसके पेट पे तो बड़ा सा घाव हो रहा है. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ, तो राजा ने क्या किया, राजा के पास एक रुमाल था, रुमाल, हैंडकरचीफ मीन्स रुमाल, तो राजा ने उस घाव को धोया और उसको कवर कर दिया, ढक दिया अपने रुमाल से. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन फिर भी खून बहना बंद नहीं हो रहा था. द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, तो राजा ने उस घाव की दोबारा से मरहम पट्टी करी जब तक कि वो ब्लड है वो बहना बंद ना हो गया. द मैन फेल्ट बेटर, अब जो आदमी था उसको थोड़ा अच्छा सा फील हुआ. एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने कुछ पीने को मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, तो राजा उसके लिए फ्रेश वाटर, ताजा ताजा पानी लेके आया और उसे दे दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, तो क्या हो गया था, सन सेट हो गया था, यानी कि सूरज डूब चुका था, यानी कि अंधेरा हो गया था. एंड द एयर वॉज कूल, और हवा ठंडी ठंडी चल रही थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन इन टू द हट, तो राजा ने हर्मिट की हेल्प से क्या किया, उस घायल आदमी को वो झोपड़ी तक ले गए. एंड लेट हिम ऑन द बेड, और बिस्तर पर उसे लिटा दिया. द मैन क्लोज हिज आईज, तो जो आदमी था उसने अपनी आंखें बंद करी. एंड ले क्वाइट, और चुपचाप से वो शांति से लेट गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, तो राजा भी था बेचारा, दिन भर चल के आया था और बहुत सारा उन्होंने काम भी किया था, वो थक चुके थे. ले डाउन ऑन द फ्लोर, और वो भी ग्राउंड पे लेट गए. एंड स्लेप्ट थ्रू आउट द नाइट, और पूरी रात वो सोते रहे. व्हेन ही अवोक, तो जब वो उठे, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेम्बर वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज. तो कुछ जब वो उठे उन्हें कुछ टाइम लगा वो जानने में कि वो कहाँ पर है और ये जो दाढ़ी वाला आदमी है वो कौन है. फॉरगिव मी,
सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस, तो इतने में ही जो दाढ़ी वाला आदमी था उसने एक बड़ी पतली सी हल्की सी आवाज में बोला कि मुझे माफ कर दीजिए, फॉरगिव मी का मतलब होता है मुझे माफ कर दीजिए। When he saw that the king was awake, तो जैसे ही जो दाढ़ी वाला आदमी था उसने देखा कि राजा उठ चुका है, तो उसने क्या बोला, मुझे माफ कर दीजिए, I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king। तो राजा ने क्या कहा, उन्होंने बोला कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और ऐसा क्या किया है तुमने कि मैं तुम्हें माफ करूँ। You do not know me, अब तो जो बियर्ड आदमी है इंसान मैन है वो कहता है कि आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, तो मैं आपका वही दुश्मन हूँ जो आपसे बदला लेना चाहता हूँ। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मुझे मेरे भाई को मौत की सजा दी थी और हमारी सारी जो प्रॉपर्टी थी, हमारी सारी संपत्ति आपने हड़प ली थी। आई न्यू You had gone alone to see that hermit, तो मुझे जैसे ही पता चला कि आप अकेले किसी सन्यासी से मिलने जा रहे हो, I made up my mind to kill you on your way home, तो मैंने अपने दिमाग में सोच लिया या मैंने ठान लिया था कि आपको मैं रास्ते में मार दूंगा। But the day passed, लेकिन दिन बीत गया, and you did not return, और आप वापस नहीं आए। So I left my hiding place, इसलिए मैं जहाँ छुपा था वहाँ से मैं बाहर आ गया। And I came upon your bodyguard, और मैं आपके bodyguard के सामने आ गया, यानी कि आपके bodyguard ने मुझे देख लिया। Who recognized me and wounded me, और उसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। I escaped from him, तो जैसे तैसे मैं उससे उनसे भाग के आया, छिपते छिपाते आया। But I should have died if you had not dressed my wounds, लेकिन शायद मैं मर जाता अगर आप मेरे घायल जो मेरे जो घाव है उसकी मरहम पट्टी नहीं करते। I wish to kill you, मैंने सोचा था कि मैं आपको मारूंगा। And you have saved my life, लेकिन आपने मेरी जान बचा दी। Now if I live, अगर आप अब मैं जिंदा रहता हूँ, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same, forgive me, तो फिर वो जो घायल आदमी था वो कहता है कि अगर अब मैं जीवित रहा तो मैं आपका सबसे ईमानदार सर्वेंट नौकर बनूंगा और मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो बेटे हैं, वो भी यही काम करेंगे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजली, तो अब जो राजा थे वो बहुत खुश हो गए थे, बड़े खुश हो गए थे कि उन्होंने अपने दुश्मन से क्या कर लिया है, शांति संबंध स्थापित कर लिया, यानी कि उनके उनका जो दुश्मन था पहले अब उनका दुश्मन नहीं रहा। And to have won him over as a friend, और उन्होंने क्या बना लिया था, उसको अपना दोस्त बना लिया था। He not only forgave him, उन्होंने केवल उसको माफ नहीं किया था, but said he would send his servant and his own doctor to look after him, उन्होंने ये भी कहा कि वो उसकी देखभाल के लिए अपने नौकर भेजेंगे और जो उसके डॉक्टर हैं उनको भी वो भेजेंगे उसके इलाज के लिए। And he promised to give back the man his property, और उन्होंने वादा किया कि उस आदमी को उसकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। लीविंग द वॉन्डेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, तो उस घायल आदमी को छोड़ा वहीं पर, फिर क्या हुआ, राजा जो थे हर्मिट को ढूंढने लगे कि हर्मिट कहाँ है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, तो जाने से पहले राजा ने सोचा कि एक बार फिर से मैं कोशिश कर लेता हूँ, क्या पता मुझे मेरा आंसर मिल जाए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज शोइंग शीट्स इन द बेस्ट दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, तो जो हर्मिट थे, जो सन्यासी थे, वो अपने घुटनों पर बैठे हुए थे और क्या कर रहे थे, जो गड्ढे उन्होंने कल खोदे हुए थे उन पर वो बीज लगा रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, तो राजा जो है वो हर्मिट के पास गए एंड सेड, और उन्होंने कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, कहते कि वाइज मैन बुद्धिमान आदमी, अब मैं लास्ट बार आपसे पूछ रहा हूँ, प्लीज मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट टिल बेंडिंग डाउन द ग्राउंड टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, तो क्या हुआ, जो हर्मिट थे वो ग्राउंड पे ही बैठे हुए थे, उन्होंने ऊपर देखा राजा जो थे उनके 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 पास में खड़े हुए थे, तो उन्होंने बैठ कर ही जवाब दिया कि तुम्हें तो तुम्हारे सवालों का आंसर मिल चुका है। How have I been answered? What do you mean? तो राजा ने कहा कि आपने कैसे कैसे मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया, आपका क्या मतलब है?
डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट. तो हर्मिट ने कहा कि आपको दिखता नहीं है या आपने देखा नहीं. इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे. तो कल अगर आपने मेरी वीकनेस यानी कि कमजोरी को नहीं समझा होता या नहीं देखा होता और आप मेरे साथ मेरी हेल्प नहीं करते गड्ढे खोदने में, तो क्या होता, आप वापस अपने घर चले जाते हैं. देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड, तो फिर क्या होता, वो जो आदमी आपको मारने के लिए छिपा हुआ था रास्ते पे वो आप पर अटैक करता. एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, तो फिर आपने ही इच्छा करी थी कि आप मेरे साथ रुकेंगे. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स. तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम, महत्वपूर्ण समय क्या था, सबसे महत्वपूर्ण समय था जब आप मेरे साथ गड्ढे खोद रहे थे. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस. तो मैं ही वो आदमी था जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जरूरी था और मेरी हेल्प करना आपका सबसे बड़ा या सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस था उस समय के लिए. Afterwards, when the man ran to us, तो उसके बाद जब वो आदमी हमारे पास दौड़ते हुए आया, the most important time was when you were caring for him. तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय क्या था, जब आप उसकी सेवा कर रहे थे. Because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. क्योंकि अगर आप उसकी देखभाल नहीं कर रहे होते या आपने उसको नहीं देखा होता तो वो बिना आपसे समझौता किए हुए मर जाता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन. इसलिए अब वो आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन था. एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस. और आपने जो भी उसके लिए किया वही आपका सबसे ज्यादा जरूरी सबसे महत्वपूर्ण कार्य था. रिमेंबर देन, उसके बाद याद कीजिए, देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज नाउ. कि जो समय है आपका सबसे महत्वपूर्ण जो समय है वो अभी है. इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. क्योंकि जो काम चल रहा होता है हम उसके लिए कोई एक्शन उसी समय ले सकते हैं. उसी समय हमें उसको एक्ट करने के लिए उसके लिए कोई एक्शन लेने की पावर होती है. जब समय बीत चुका होता है फिर हम कुछ नहीं कर सकते. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट. और वही आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक व्यक्ति या महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसके साथ आप उस समय होते हो. फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि भविष्य में क्या होने वाला है. एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, तो हमें कोई और मिलेगा भी या नहीं मिलेगा. द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड. और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिजनेस या कार्य क्या है, किसी व्यक्ति के लिए अच्छा करना. बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, तो क्योंकि हमें इसी काम के लिए इस धरती पर भेजा गया है कि हम किसी के लिए किसी का भला करें. तो ये जो स्टोरी है ये लिखी है लियो टॉलस्टॉय ने. ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. थैंक यू.